20वें प्रॉपर्टी एक्सपो की आज से शुरुआत हो गई। प्रदर्शनी 4 दिन चलेगी। पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने 20वें प्रॉपर्टी एक्सपो को होम बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी करार दिया। प्रदर्शनी का थीम 360 डिग्री स्वच्छ और स्मार्ट नवी मुंबई रखा गया है और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकेस किया गया है। एक्सपो में 100 बिल्डर्स और कई बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यहां 150 से अधिक रेसिडेंशियल और कमर्शियल संपत्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में आज से क्रेडाई बीएनएम की 20वीं प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का आगाज हो गया। इस अवसर पर बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई के अध्यक्ष हरीश छेड़ा, सीनियर ट्रस्टी भूपेन भाई शाह, कन्वेनर मनीष शाह, धर्मेंद्र कारिया समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का उद्घाटन पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख के हाथों किया गया। 360 डिग्री स्वच्छ स्मार्ट नवी मुंबई के थीम के साथ आयोजित 4 दिवसीय इस प्रॉपर्टी एक्सपो में 100 बिल्डर और कई बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ 150 से अधिक रेसिडेंशियल और कमर्शियल संपत्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पीएमसी आयुक्त ने 20वें प्रॉपर्टी एक्सपो को होम बायर्स के लिए सुनहरा अवसर बताया और उसका लाभ उठाने का आह्वान किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये वन अम्ब्रेला सब सॉल्यूशंस है। हर एक की इच्छा रहती है, मुझे होम लेना है, घर लेना है, किस तरीके से लेना है। या अगर आप सब स्टॉल आपने देख लिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंतजाम किए हैं। अपने अपने बिल्डर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने के लिए, और साथ ही में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, वहीं पर भी SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब जो रिप्यूटेड नेशनलाइज और कमर्शियल बैंक्स हैं कि भी आउटलेट सब उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सब अपने आपके सवाल का सोल्यूशन है। तो मैं डेफिनेटली लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप आगे एक बार ये विजिट करना चाहिए और अपना जो ड्रीम है किस तरीके से आपको रियलिटी में लाना है इसका ही प्लानिंग करना चाहिए। 13 मई से 16 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के पहले दिन सिडको MD संजीव मुखर्जी ने भी भेंट दिया और संपत्तियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो रेलवे के साथ ही मेगा प्रोजेक्ट समेत तमाम विकास परियोजनाएं नवी मुंबई में चल रही हैं, जिसकी वजह से नवी मुंबई में मकानों की डिमांड ज्यादा है। उन्होंने प्रदर्शनी को ग्राहक और बिल्डर्स दोनों के लिए लाभकारी बताया। संपूर्ण भारत वर्ष में जो विकास का काम हो रहा है, ये विकास का काम नवी मुंबई में जितना हो रहा है इतना शायद ही कहीं और हो रहा है। नवी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट का काम अभी पूरे गति पे चालू है। उसी प्रकार से नवी मुंबई मेट्रो का जो काम है उसका टप्पा एक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और टप्पा दो जो है वो दिसंबर तक के कंप्लीट होगा। आगे के मेट्रो का काम चालू होने वाला है। इस प्रकार से कई प्रकार के काम हो रहे हैं, जायज़ है। इस प्रकार से जब काम होता है, विकास होता है, तो वहाँ पे लोक संख्या बढ़ती है, और जब लोक संख्या बढ़ती है तो उस वक्त लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। रहने का जो घर चाहिए वो दो प्रकार का होना चाहिए, एक तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए और वो रहने लायक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि नवी मुंबई के सारे बिल्डर्स एक साथ आकर उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है। इस एक्सपो में हर प्रकार का घर का उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाई एंड घर, मतलब पूरा पहाड़ जो है वो गार्डन है और एकदम टॉप में घर है, ये भी है यहाँ पर। पर साथ ही में जो एकदम EWS के हाउसिंग है उस प्रकार का हाउसिंग भी यहाँ पर है। मैं सिडको का MD हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिडको, जो यहाँ का प्लानिंग अथॉरिटी है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा भी एक स्टॉल यहाँ पर है। उस स्टॉल में हमने हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनका, और हमारे यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप का जो सेक्शंस है उनका, उनके पूरा जानकारी जो है यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। उसी प्रकार से हमारे जो प्लॉट्स होते हैं जिसमें आप अपना घर भी बना सकते हो या बिल्डिंग बना सकते हो या दुकान के लिए कमर्शियल आउटलेट्स है, ये सब का हमने भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नवी मुंबई के प्लान डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। अभी कोविड का मौसम जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मौसम अभी ढल चुका है और अभी जो है काम करने के दिन वापस आए हैं। तो मैं सबका कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको अभिनंदन, बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस
बड़े एग्जीबिशन का आयोजन किया। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर है ऑफ डेटा सेंटर्स एंड आईटी। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों इकोनॉमी के सेक्टर के नवी मुंबई एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है, जहाँ पे तीनों सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और अभी फ़िलहाल आ भी रही है। तो ऑब्वियसली हर प्रकार का, हर सेक्टर का घरों का डिमांड होगा। सिर्फ इतना है कि घर जो है वो मेरे पॉकेट को अफोर्ड करने लायक होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस प्रकार के एक्सपोज में जो सिटीज़न है वो आके देख सकता है और देखकर अपना निर्णय जो है वो ले सकता है। वहीं एक्सपो के कन्वेनर मनीष भाई शाह ने बताया कि प्रदर्शनी में 13 लाख रुपए कीमत से लेकर 2 करोड़ तक कीमत की प्रॉपर्टी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए इस बार बिल्डर्स कई तरह के स्कीम दे रहे हैं, इसलिए यह संपत्ति खरीदने का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एक तो 2.5 साल की जो वेटिंग पीरियड थी उसमें लोगों की उत्साह और बढ़ गई है, क्योंकि कोई चीज़ अपने को हर साल जो अपने को एक्सपीरियंस करने मिलती है, 2.5 साल का जो वेटिंग पीरियड आता है तो लोगों का उत्साह बढ़ गई है। आपने अभी सबने देखा होगा कि जो एग्जीबिटर्स ने जो पार्टिसिपेंट्स किया है और जो हिसाब से उन्होंने आज अपने उत्साह दिखाई है, उसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटफॉल को भी इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे आएगा और अपने जो भी चॉइस का चीज़ है वो उनको मिल पाएगा। यहाँ पे अभी लगभग 50-60 बिल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है, 8-10 बैंक ने किया है और अदर्स एग्जीबिटर्स है वो भी 10-12 है। ओवरऑल टोटल 70-80 पार्टिसिपेंट्स है। यहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्डेबल से लेके लग्जरी हर सेगमेंट मिलेगा। 20 लाख से आपको रसायनी से चालू होता है, तो 20 लाख से लेके 5-10 करोड़ तक की हर रेंज की प्रॉपर्टी है, ताकि कोई भी कस्टमर यहाँ पे आवे तो उनको उनकी चॉइस पूरी मिल सकेगी। इस बार की 360 डिग्री स्मार्ट एंड स्वच्छ सिटी, ये हमारी टैगलाइन है, क्योंकि नई मुंबई को स्वच्छ के लिए प्राइस भी मिला हुआ है। तो ये हमने टैगलाइन को हमने नई मुंबई के लिए प्रमोट करने के लिए ये टैगलाइन रखी है, जो लेटेस्ट टैगलाइन है स्वच्छ सिटी। यहाँ पे ओवरऑल सभी प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे मैंने बोला रसायनी से लेके नई मुंबई तक, पाम बीच, पनवेल, एफोर्डेबल धोनागिरी, उल्वे, ये सब एफोर्डेबल सेक्टर हो गए, और लग्जरी में भी आपको देखने मिलेंगे नेरुल, वाशी, पाम बीच। तो ओवरऑल हर सेगमेंट्स को कवर किया है और हर सेगमेंट्स के लिए चॉइस रखी है और उसके हिसाब से आपको हर स्टॉल देखने मिलेगा। मेरी ये अपील रहेगी कि इस प्रदर्शन में आके, एग्जीबिशन में आके वो अपने चॉइस का, जो भी उनका फ्लैट का चॉइस है वो यहाँ पे ग्रैब करे अपॉर्चुनिटी। उसके साथ हमने प्राइस भी रखे हैं, स्पॉट बुकिंग के लिए प्राइस भी रखे हैं, जिसमें वो आके अपना स्पॉट बुकिंग करके प्राइस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और प्राइस भी जो रखा है वो घर के साथ जो हैंडी नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखी है, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन। सो ओवरऑल बेनिफिट बुकिंग ऑन द स्पॉट हर चीज़ के लिए मेरी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पे आइए, चॉइस कीजिए और अपना घर बुक कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।